तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज है आपका 20 जून और 20 जून को आपका एसएससी एमटीएस का आपका लास्ट दिन है। तो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है वो आपका समाप्त हो गया है। तो सेकंड शिफ्ट में क्या क्या जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे, सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो आपका किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान में जो संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है आपका किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, ठीक है। 368 में दिया गया है कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उस शक्ति के प्रयोग पर संविधान में संशोधन है जो कि किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूछा गया था, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़े फ्रेंड्स। इससे पहले आपको बता दें कि जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है अब तो लगभग समाप्त हो गया है, ठीक है। तो अब तक यानी कि 20 जून तक दोस्तों आपका एसएससी एमटीएस का टोटल 57 शिफ्टों में जो कि एग्ज़ाम है आपका कंडक्ट हुआ है, और 57 शिफ्टों में तकरीबन 1500 प्रश्न जो कि पूछे गए हैं, ठीक है। तो 1500 प्रश्नों का पीडीएफ विथ उत्तर के साथ साथ में आपके उससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। 2 मई से आपका 20 जून तक आपका एसएससी एमटीएस का पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर आपको सामने दिया गया है, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, आप लोग वहाँ से भी डायरेक्ट व्हाट्सएप पर आ सकते हैं, ठीक है। इस पीडीएफ में जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके रहेंगे। साथ ही साथ ये पीडीएफ है जो कि एसएससी एमटीएस के लिए तो इम्पोर्टेंट था ही, क्योंकि आज जो देखा गया है फर्स्ट शिफ्ट में लगभग 20 प्रश्न पूछे गए थे और सेकंड शिफ्ट में लगभग तकरीबन 15 से 17 जो प्रश्न हैं आपके इसी पीडीएफ से पूछे गए हैं। पीडीएफ से कहिए या प्रीवियस ईयर के शिफ्टों से कहिए, जो भी कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ है जो कि सीएचएसएल के लिए तो इम्पोर्टेंट है, सीजीएल के भी इम्पोर्टेंट है, जो आपका एसएससी फेस 10 का एग्जाम होना है वो सभी एग्जामों के लिए भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो जो भी लेना चाहते हैं व्हाट्सएप पर संपर्क आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि अनुच्छेद 51 का खंड के, ठीक है, जो कि अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए माता पिता या अभिभावक या ऐसे जैसे भी मामला हो 6 और 14 वर्ष की आयु के बच्चे के वार्ड को डैश भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया है, तो इसका जो राइट आंसर था आपका 6वां संविधान संशोधन था, ठीक है। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा आपका अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन प्रश्न आपका यही था। तो 6वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से यह आपका भाग 3 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में है जो कि प्रदान किया गया था। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अगला है आपका घोंगा है जो कि किस संघ का प्रजाति है। तो घोंगा की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका मोलास्का संघ का प्रजाति है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका मोलास्का हो जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है आपका कि शको को किस शासक ने है जो कि पराजित किया था। तो शको को बता दें तो मालवा जन ने विक्रमादित्य के नेतृत्व में मालवा से शको को राज को समाप्त कर दिया था, जो इस विजय के स्मारक के रूप में विक्रम संवत का प्रचलन है किया और आज भी हिंदुओं के धार्मिक कार्यों में बड़े वित्त हैं, ठीक है। तो इससे संबंधित प्रश्न आपका क्या के दिया गया था थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया है, तो जो लोग भी कमेंट सेक्शन में आइएगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या लाया गया था। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा। अगला है कि 1952 का ओलंपिक है जो कि कहाँ हुआ है। तो 1952 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है आधिकारिक तौर पर 15वां ओलंपियाड खेलों के नाम से जाना जाता था। यह आपका 1952 में हेलसिंकी जो कि फिनलैंड की राजधानी था वहाँ पर आयोजित हुआ था, ठीक है। तो हेलसिंकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मल्लिका साराभाई का संबंध है जो कि किससे है। तो मल्लिका जो साराभाई का संबंध है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यों में से है, कोई एक ऑप्शन में होगा तो आप उसे राइट कर लीजिएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का सबसे नृत्य है। नेक्स्ट है कि अल्लाह रखा कुरेशी जिन्हें कि अल्लाह रखा खां के नाम से जाना जाता है वो एक भारतीय डैश वादक हैं, तो एक तबला वादक हैं, तो तबला राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विशेषज्ञता हासिल की है और पंजाब घराने से ताल्लुकात रखते हैं। उन्हें 1977 में पद्मश्री, 1982 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार भी दिया गया है। अगला है कि पांडवलिनी की गुफाएं हैं जो कि किस राज्य में स्थित है। तो पांडवलिनी की जो गुफा है नासिक महाराष्ट्र में स्थित है, तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसका जो अन्य नाम है नासिक की गुफा है, पांडुलेना की गुफा है, पांडु गुफा है, त्रिरश्मि लेनी गुफा है, तो ये सभी आपका उसका अन्य नाम है।
अगला है कि मेंटल के ऊपरी भाग और भू प्रपटी को क्या कहा जाता है, तो आपका इसका जो राइट आंसर है आपका अष्टल मंडल हो जाएगा। ठीक है, अष्टल मंडल पृथ्वी का ठोस और भारी भाग है। यह विभिन्न भू आकृतियों जैसे पहाड़, पठार, रेगिस्तान, मैदान, घाटियां आदि के साथ अनियमित सतह है। इसे मेंटल का कमजोर और ऊपरी भाग भू प्रपटी शामिल है। वह ऊपर के वातावरण और नीचे के आकाश मंडल से घिरा हुआ है। अगला है कि वूटिंग, ड्रिबलिंग और पासिंग किस खेल से संबंधित है, तो इनमें से एक जो शब्द मिला है ड्रिबलिंग, ये दोस्तों आपका बास्केटबॉल से संबंधित है। तो एक शब्द अगर बास्केटबॉल से संबंधित है तो तीनों शब्द आपका बास्केटबॉल से ही संबंधित होगा। ठीक है, बास्केटबॉल से जुड़े और शब्द जैसे कि बॉल है, बास्केट है, ब्लॉकिंग है, ड्रिबलिंग है, फ्री है, थ्रो है, हेल्ड बॉल है, हैंडलिंग है, जंप बॉल है, मल्टीपल थ्रो है, पिवट है, तो ये सभी आपका जो संबंधित शब्द है आपका बास्केटबॉल से ही है। अगला है कि यूक्रेन में फंसे लोगों को किस ऑपरेशन के द्वारा बुलाया गया था, तो यूक्रेन और रूस का जो युद्ध हुआ था उस समय आपका भारत सरकार के द्वारा यूक्रेन में फंसे इंडियंस को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, तो राइट आंसर ऑपरेशन गंगा हो जाएगा। अगला है कि कमांड जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य है जो कि किया जाता है, तो 13 ताली इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 ताली कामत जनजाति के द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। इसके साथ ही साथ ये नृत्य राजस्थान से उत्पन्न हुआ है। इसमें बर्तन और तलवार का उपयोग भी किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संसद में केंद्रीय बजट है जो कि कौन प्रस्तुत करता है, तो संसद में केंद्रीय बजट फरवरी के पहले दिन भारत के वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो वित्त मंत्री राइट आंसर हो जाएगा। वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग संभाग केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेवार है। इसके अलावा भारत के केंद्रीय बजट का उल्लेख है भारतीय संविधान के 112 अनुच्छेद में किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से। आर के शणमुखम शेट्टी को भारतीय बजट का जनक कहा जाता है। उन्होंने 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसके अलावा मोरारजी देसाई ने सबसे अधिक बार यानी कि अर्थात 10 बार बजट प्रस्तुत किया है, सबसे अधिक। इसके अलावा भारत के वर्तमान जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इंदिरा गांधी के बाद भारत की दूसरी ऐसी महिला वित्त मंत्री हैं जो कि पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश का मुद्रा क्या है, तो बांग्लादेशी टका बांग्लादेश की मुद्रा है, तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दो राष्ट्र का सिद्धांत जो कि किसने दिया है, दो राष्ट्र का सिद्धांत यानी कि टू नेशनल थ्योरी का वास्तविक जनक है सैयद अहमद खान, तो राइट आंसर आपका सैयद अहमद का हो जाएगा। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने सबसे मुख्य तौर पर इसकी वकालत की थी। हालांकि ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार पहली बार मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान की जो मांग है मोहम्मद इकबाल ने 1930 ईस्वी में किया था। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का अंतिम जीवित सधीर नर्तक है जो कि जिन्हें 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है, तो आर मुथू कन मवाल। ठीक है, आर मुथू कन मवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2022 में भारत सरकार ने मुथू कमल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। नृत्य रूप सधीर को सधीरतम पर थेवरअट्टम भी कहा जाता है जो कि एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य है। इसे भरतनाट्यम के रूप में पुनर्निर्मित, संशोधित और पुनर्नामित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1820 के दशक में हेनरी लुई किस कॉलेज के अध्यक्ष थे, तो हिंदू कॉलेज के अध्यक्ष थे, तो इसका राइट आंसर हिंदू कॉलेज हो जाएगा। इसके अलावा युवा बंगाल आंदोलन के नेता रहे, प्रेरणादायक युवा एंग्लो इंडियन हेनरी विवन फिरोजी थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि अंडमान और निकोबार सहित भारत की जो मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई है वह कितनी है, तो 7516.6 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर फैला हुआ है। इसने देश को मुख्य भूमि से 6100 किलोमीटर की तट रेखा प्रदान की है। मुख्य भूमि लक्षद्वीप द्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत की तट रेखाओं में 9 राज्य आते हैं जैसे कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, और 4 केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन द्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक फैला हुआ है। ठीक है, अगला था कि जो वस्तुओं को हम लोग स्पष्ट रूप से देख नहीं सकते हैं वो वस्तु क्या कहलाती है, तो वो पारदर्शी वस्तुएं कहलाती है। पारदर्शी वस्तु ऐसी वस्तु होती है जिनके माध्यम से हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पारदर्शी वस्तु आपतित प्रकाश को गुजरने देती है जैसे कि कांच, वायु, पानी। ठीक है, तो शायद पारदर्शी वस्तु से संबंधित कोई प्रश्न आया था तो देख लीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि पद वेतन और श्रेणी उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगल के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली श्रेणी क्रम व्यवस्था क्या कहलाती थी,
तो मनसबदारी व्यवस्था कहलाती थी। ठीक है, तो मनसबदारी जो व्यवस्था है अकबर के द्वारा शुरू किया गया था मुगल समाज की प्रशासनिक व्यवस्था के भीतर एक सैनिक आई थी प्रणाली ने एक सरकारी अधिकारी और सैन्य जनरल के पद को स्थिति निर्धारित किया था। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके आज के सेकेंड सेट में पूछे गए थे। एक थे कि गाँव की सभा को क्या कहते हैं, गाँव की सभा को क्या कहते हैं, तो इस गाँव की सभा को क्या कहेंगे हम लोग, तो ग्राम सभा कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ग्राम सभा हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका और आया था कि 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार आदिवासी की संख्या क्या होती है। ठीक है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार आदिवासियों की संख्या देखें तो आदिवासी की जो कुल संख्या है वह आपका 10.45 करोड़ है। ठीक है, तो 10.545 करोड़ दोस्तों आपका क्या हो जाएगा राइट, तो 10.5 करोड़ दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कुल आबादी का 8.6% है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और भी क्वेश्चन हम लोग देखें तो क्या क्या पूछा गया था, तो लगभग तो सारे प्रश्न आपका हो ही चुका है, बाकी जो भी एक से दो प्रश्न बच गए हैं उसको हम लोग PDF में शामिल कर देंगे। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इस वीडियो का आज की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। लेकिन SSC MTS का जो आपका 2023 में एग्जाम हुआ है कुल 57 शिफ्टों में, उसका PDF लेना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में नहीं, व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से आइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद भारत।